हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड देन की पॉइंट्स एंड देन की एक्सप्लेनेशंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप डिफाइन कीजिए। तो हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन। इस स्टेटमेंट में दो चीजें महत्वपूर्ण है। नंबर वन, एवरेज डिस्टेंस, एंड द सेकेंड वन इज दैट सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन। इट मीन्स इट इज द एवरेज डिस्टेंस किसके किसके बीच है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन, मीन अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, राइट। और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड दिस डिस्टेंस इज एवरेज डिस्टेंस। ये कैसा डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस। और इसकी जो वैल्यू है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर, ओके। अब इसके बाद कुछ इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर हम नजर दौड़ाते हैं कि जैसे आपको मालूम है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो आज का जो करंट टॉपिक है, दैट ये आपके कंटेंट को लेके अलावा जो है आपके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी रखता है, क्योंकि इसमें जनरल डील्स विद द जनरल साइंस। आज आपको इस करंट सेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करने का एक चांस मिलेगा, क्योंकि आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करने को मिलेगी इन स्पाइट ऑफ करंट टॉपिक। तो सबसे पहले तो कुछ की पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो आज का जो करंट टॉपिक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। अब बात ये आती है कि अभी तक जो हमने डिस्क जितने भी यूनिट स्टडी किए, हमने बेसिक यूनिट स्टडी किए, हमने सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में स्टडी किया, हमने ड्राइव यूनिट के बारे में भी स्टडी किया, बट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्विच ओवर टू द प्रैक्टिकल यूनिट। बहुत सारे क्वेश्चंस इस वक्त मन में अराइज होते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, ये प्रैक्टिकल यूनिट से हम क्या समझते हैं और ये प्रैक्टिकल यूनिट होता क्या है। अब जो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है, आप इस एग्जांपल पे गौर कीजिए। आप तो यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास, मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। कितनी है, 5 किलोमीटर। और आपके किसी दोस्त ने पूछ लिया कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूरी पे है, तो आपका आंसर क्या रहता है, आपका इमीडिएटली एज यूजुअल दैट इज 5 किलोमीटर। क्या कभी आपने ये 5000 मीटर कहा? नहीं, कभी भी आपने 5000 मीटर में उसको एक्सप्रेस नहीं किया। जबकि इन मैथमेटिकल सेंस में देखा जाए तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। हियर जो मीटर है दैट इज एसआई यूनिट, और जो किलोमीटर है हमने यूज किया, यहाँ पे किलोमीटर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है कि जो जब डिस्टेंस घर से स्कूल का जो डिस्टेंस लार्जर था तो बड़ा लार्जर यूनिट यूज किया गया, जब डिस्टेंस स्मॉल होगा तो स्मॉलर यूनिट अप्लाई होगा। तो इट मीन जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसकी, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डिस्टेंस। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी मीन इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना ज्यादा है। स्मॉलर द डिस्टेंस, स्मॉलर विद द प्रैक्टिकल यूनिट, लार्जर विद द डिस्टेंस, लार्जर बिलीव द यूज ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट, राइट। अब बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल यूनिट हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। तो नंबर वन प्रैक्टिकल यूनिट दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो हमारा करंट टॉपिक है, एंड द सेकेंड प्रैक्टिकल यूनिट दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर, एंड द थर्ड वन दैट इज अ पैरालैटिक सेकेंड। तो आपके पास देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पैरालैटिक सेकेंड। जो लाइट ईयर एंड पैरालैटिक सेकेंड जो यूनिट है, इनके बारे में हम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो
आपको जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्रैक्टिकल यूनिट है उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, इनका मैक्सिमाइज यूज़ कहाँ पे है। तो इनका जो मैक्सिमाइज यूज़ होता है दैट इज इन एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में ज़्यादा यूज़ होता है। अब बात ये आती है कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है क्या चीज़। तो ऐसी साइंस जिसमें हम किस चीज़ की डील करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ द हेवनली ऑब्जेक्ट्स, हेवनली ऑब्जेक्ट की पोजिशन की स्टडी करते हैं। अब बात ये आते हैं कि जो हेवनली ऑब्जेक्ट होते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट क्या है। तो हेवनली ऑब्जेक्ट हो गया आपके सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, स्टार हो गया, इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू नीड लार्जर यूनिट, जिनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी आपके प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, जो कि लार्जर डिस्टेंस में के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने प्लूटो का डिस्टेंस निकालना आसान से, तो प्लूटो इज अराउंड 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम द सन। अगर हम बियॉन्ड द प्लूटो की बात करें, अगर क्योंकि इसी ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है दैट इज कॉमनली यूज विद इन अवर प्लैनेटरी सिस्टम, इसकी जो मैक्सिमम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है दैट इज विद इन अवर प्लैनेटरी सिस्टम। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि बियॉन्ड द प्लैनेटरी सिस्टम जो यूजेबल जो प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज अ लाइट ईयर। तो इट मीन जो लाइट ईयर जो है दैट इज यूज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस जो जिनका जो है साइज जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मच ग्रेटर देन। तो मान लीजिए आपने सन से स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उस वक्त आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट यूनिट, उस वक्त होगा आपका लाइट ईयर। ओके, इसके बाद हमने अगर आप यहाँ पे नजर दें, क्योंकि इस चीज को भी आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन और जो उसका जो ऑर्बिट होता है दैट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। आप इस कर्सर पे ध्यान दीजिए, जो अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड लाइक दिस और जो इसका जो ऑर्बिट है दैट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट, और दिस डायरेक्शन इज कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड अर्थ एक अपना ऑर्बिट कंप्लीट करती है इन 365.25 डेज, इसकी जानकारी आपको है। अब आप जब अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन और जो प्रिस्क्राइब करती है एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो आप देख रहे हैं कि अर्थ की इस ऑर्बिट में अर्थ की दो पोजीशन ऐसी होती हैं, जब अर्थ जो सन के सबसे ज्यादा दूरी पे होती है और सबसे ज्यादा नजदीक होती है। तो जब अर्थ की पोजीशन सन से सबसे ज्यादा दूरी पे होती है तो उसको कहते हैं एपिलियन, और ये जुलाई अर्ली में अकर्ड होता है। ये पोजीशन कब अवेलेबल होती है, दैट इज इन अर्ली जुलाई। अगर 2020 की बात की जाए तो 5 जुलाई 2020 को अर्थ जो है सूर्य के सबसे नजदीक होगी, और जो अर्थ जो है सूर्य के सबसे क्लोजेस्ट कब होती है, इन अर्ली जनवरी, और इस पोजीशन को कहते हैं पेरिलियन, राइट। तो ये 2020 की बात की जाए तो 4 जनवरी 2020 को अर्थ जो थी सूर्य के सबसे नजदीक थी। उस दिन अर्थ का जो डिस्टेंस मीन जब पेरिहेलियन पोजीशन पे जो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से दैट इज अबाउट 14,71,00,000 किलोमीटर, जबकि एपेलियन पोजीशन पे सन के जिन जो जब फार्देस्ट होती है अर्थ जो है सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे होती है, तो उस वक्त जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होता है दैट इज 15,21,00,000 किलोमीटर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद बात आती है कि जो एवरेज डिस्टेंस होता है इन दो वैल्यूज का एवरेज सम होता है, इट इज द एवरेज सम ऑफ दिस टू। तो अगर मान ली इन दो वैल्यूज को जब हम ऐड करते हैं डिवाइड बाय टू, तो आ गया एवरेज डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 14,96,00,000 किलोमीटर, मीन 14,96,00,000 किलोमीटर, और दिस वैल्यू इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब कुछ एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया जो एवरेज डिस्टेंस होता है ये फर्देस्ट और जो नियरेस्ट पॉइंट होते हैं अर्थ के इन रिस्पेक्ट ऑफ द सन, उन दो वैल्यूज का एवरेज वैल्यू है दैट इज 14,96,00,000 किलोमीटर
राइट। इस वैल्यू को हमने किसमें एक्सप्रेस कर दिया, इन मीटर में। जब मीटर में एक्सप्रेस किया तो वी नो दैट जो किलोमीटर होता है दैट इज 10 की पावर 3। ओके, उसके बाद इस वैल्यू को वी हैव टू नीड टू एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन। इस वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमें इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। जो साइंटिफिक नोटेशन पे भी हमें एक गौर करना चाहिए। आप देखिए एक साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, आपको साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे स्क्वेयर बॉक्स में या रेक्टेंगुलर बॉक्स में, यहाँ पे दिस फार्मूला इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला है। और यहाँ पे ए जो है कोएफिशिएंट है और जो एन है दैट इज द एक्सपोनेंट। रूल ये कहता है कि जो ए की जो वैल्यू होनी चाहिए मीन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए बट लेस देन 10। अब आप इस फिगर पे नजर दौड़ाएं तो आपको दिस वैल्यू इज मच मच ग्रेटर देन द 10। तो इसको आपने इस रूल में सेटिस्फाई करना है। तो यू हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा यहां तक। तो हाँ यहाँ पे 8 डिजिट हमने क्रॉस किया यहाँ से, तो 1.496 and 50 इंटू 10 की पावर 3 ऑलरेडी था इंटू 10 की पावर 8। जितने डिजिट हम यहाँ पे शिफ्ट किए उतने पावर में 10 की पावर में चला जाएगा। 8 डिजिट मीन 10 की पावर 8। और दूसरी चीज यहाँ पे नोट करने लायक है कि यहाँ से हमने डेसिमल जो शिफ्ट किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब राइट टू लेफ्ट किया तो पावर पॉजिटिव है। यहाँ भी गौर करने वाली बात है, अगर मान लीजिए डेसिमल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है तो पावर माइनस में रहेगी। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यूज को मैंने एक्सप्रेस किया अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज 1.496 इंटू, अब जो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 8 है, रूल कहता है कि इफ बेस आर सेम तो पावर बी एड अप। तो यहां से 10 की पावर 3 प्लस 8 जब हो जाएगा, 8 + 3 मीन 10 की पावर 11। तो दिस इज द एवरेज डिस्टेंस, जो एवरेज डिस्टेंस है दिस इज द कैलकुलेशन टेक्निक जो दैट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आज का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और अगर एग्जाम की जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछा जाता है कि स्टेट या व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर योर टाइम, और आप ज्ञानशील टूल ऑफ फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ आज का टॉपिक